क्योंकि स्कूल जा रहा हूँ, आज मेरा पेपर भी है। आपकी थोड़ी सी तबीयत दिक्कत सी हो गई थी, तो यार कॉलगेट से कौन खेलता है भाई। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं दूध देने के लिए। बाकी ये देखो केले का पेड़ भी है यहाँ पे, बाकी मम्मी सब्जियाँ ले रही हैं। आज ना मम्मी ने इनका जो ये मुकुट है ना, ये उल्टा पहना रखा था पूरे। फिलहाल मेरा खाना आ चुका है, तो खाना। तो भाइयों अभी भैया ये आसन कर रहे हैं पेड़। तो भाइयों ये देखो पोम्पू जो है वो मम्मी के हाथों से खाना खाता है। मम्मी तो भाइयों अभी देखो खाना खा के पोम्पू सो गया था। और गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो सारे? मैं तो काफी ज्यादा अच्छा हूँ। बाकी अभी फिलहाल मैं जल्दी में हूँ क्योंकि स्कूल जा रहा हूँ। आज मेरा पेपर भी है, मैंने आपको बता रखा था। तो पेपर की फुल तैयारी हो गई, दो बार रिवीजन भी कर लिया और बाकी पीछे भी रिवीजन चल ही रहा था। तो हाँ ये तो कुछ बनाएंगे नहीं, जब मैं चला जाऊंगा कह देते हैं मुझे कि मैं बना लूंगी थोड़ा बहुत। लोग दिन में बनाते हैं नहीं कुछ, तो हाँ मुझे ही आके बनाना पड़ेगा। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं। बाकी देखो पोम्पू ये रहा। मैं स्कूल से तो आ गया था एक घंटा पहले, लेकिन यार मेरी थोड़ी सी तबीयत दिक्कत सी हो गई थी, तो यार मैं सो गया था। अब भी सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन यार ब्लॉग तो बनाना है ना। तो अभी मैं छत पे आया हूँ, मैं मम्मी पोम्पू, तो मम्मी तो कपड़े उतारेंगी अभी, धुले हुए जो कपड़े सुखा रखे थे छत पे। और मोटर मतलब टैंक का पानी ये इसमें भरता रहता है, टैंकर से रखा है छोटे वाला नीचे। तो मम्मी थोड़ी बहुत छत भी धोनी है। पोम्पू कॉलगेट से खेलता है वहाँ पे। कॉलगेट से कौन खेलता है? पोम्पू खेलता है। तो हाँ अभी हम जाएंगे दूध लेने के लिए, और बाकी मम्मी कहीं पर और जाने के लिए भी कह रही थी, हीट वगैरह भी लाना है तो वो भी लेके आएंगे। तो हाँ यार चलो, बाकी आज बहुत थक गए और आज का जो पेपर था वो अच्छा गया। तो हाँ अभी मुझे बुलाने आया है देखो खेलने के लिए, कि मेरे साथ खेल ले। ऐसे ही करता है ये पोम्पू है, ये पोम्पू देखो मेरा हाथ चाबेगा और कहेगा चल खेलेंगे। तो हाँ ऐसे ही करता है भाइयों। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं दूध देने के लिए। बाकी हमें थोड़ी बहुत सब्जी भी लेनी है, और मेरी आँखों में नींद से भर रही है, लेकिन नींद को नीचे रखते हैं और चलते हैं। बाकी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये देखो केले का पेड़ भी है यहाँ पे एक। बाकी हमारे पास ये देखो एक केले का पेड़ था, और हमारे साइड वाले मकान में ना काम वाम हो रहा है, तो आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं, पर कोई नहीं भाई वो भी ज़रूरी है। तो हाँ भाई अभी हम दूध लेके तो आ गए हैं, वहाँ पे लग गया था बहुत ज़्यादा टाइम, एक डेढ़ घंटा लग जाता है दूध लेने में, और भाई एक डेढ़ घंटा बहुत होता है। तो हाँ अभी मम्मी सब्जियाँ ले रही हैं, ये देखो आलू वगैरह ले रही हैं, और मैं तो यहाँ पे मक्के वगैरह भी रखे हैं, भुट्टे वगैरह। तो मैं कह रहा हूँ दो तीन भुट्टे ले लेते हैं खा लेंगे भाई। मैंने ये लगा लो दो तीन साल से भुट्टे नहीं खाए हैं, दो तीन साल से कितने होते हैं, दो तीन साल बहुत होते हैं। तो हाँ फिलहाल मम्मी सब्जी लेती हैं और फिर घर चलते हैं। ये अभी हम घर तो आ गए हैं, सब्जी वगैरह भी ले ली है, और मैं एक ब्रेड भी लेके आ गया था। पहले मैं और मम्मी ने ब्रेड और चाय पी, फिर मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। फिर यार मम्मी की उंगलियों में फंगस हो रखा है ना, मैंने आपको बताया, तो पानी से डॉक्टर ने कहा है कि पानी से बच के रहना है, उंगलियों को पानी से बचा के रखना है। तो इसी वजह से थोड़े बहुत बर्तन हो रहे थे, मैंने साफ़ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो हाँ कैमरा तो गंदा नहीं हो रहा। तो अभी मैं जा रहा हूँ वो जो धूप बत्तियाँ मतलब अगरबत्तियाँ आती है ना मच्छर भगाने वाली, वो लेने के लिए, क्योंकि यार मच्छर हो रहे हैं घर में बहुत ज़्यादा, जो कि अच्छी बात है नहीं, क्योंकि डेंगू वेंगू का भी सीजन आने वाला है, डेंगू कह लो डेंगी कह लो, ठीक है। तो हाँ मम्मी आप कुछ कहना चाहोगी? दो सौ पैंतालीस का। और भाई आज हमारे कान्हा जी देखो कैसे लग रहे हैं। आज ना मम्मी ने इनका जो ये मुकुट है ना, ये उल्टा पहना रखा था पूरे दिन से, और ये ऐसे ही बैठे हुए थे। तो भाइयों फिलहाल मैं जाता हूँ दुकान पे, और फिर मतलब ये अगरबत्ती सारे घर में लगा के फिर मैं और मम्मी चले जाएंगे ऊपर थोड़ी देर घूमने के लिए। बाकी ये देखो हमारे लाफिंग बुद्धा कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो यार जल्दी से अगरबत्ती लेने के लिए चलते हैं। और आज मैंने बाबू भैया का व्लॉग देखा, तो यार उनमें इतनी भीड़ आ गई थी, मीटअप रखा था ना उन्होंने, तो बहुत सारे लोग आ गए थे। फिर शायद से उन्हें पुलिस छोड़ के गई उनके घर, या फिर कुछ भी लोकेशन थी, मैंने आधा देखा है गाइस, आधा मेरा बचा हुआ है। तो हाँ अभी मैं अगरबत्ती लेके तो आ गया था, तो अभी फिलहाल मेरा खाना आ चुका है, तो खाना खाते हैं, फिर इस व्लॉग की एडिटिंग करूँगा मैं। और यार रात को ना सोने में 12 बज जाते हैं, तो हाँ जल्दी से अभी मैं एडिटिंग खाना मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले जल्दी से एडिटिंग करता हूँ फिर, अरे पहले जल्दी से खाना खाता हूँ फिर एडिटिंग करूँगा, और हाँ फिर सो जाएंगे आराम से, क्योंकि यार सुबह को स्कूल भी जाना है। तो भाइयों अभी भैया ये आसन कर रहे हैं, पेट देखो कितना निकल गया है,
ये खाना जम करने का आसन होता है कुछ बोलते हैं इसे। तो भाइयों ये देखो पोम्पू जो है वो मम्मी के हाथों से खाना खाता है, मम्मी ने भी टुकड़े तोड़ के डाले हैं जब खा रहा है ये, वरना खाता नहीं है। तो भाई ये मतलब ऐसे बहुत कम खा रहा है 2-3 दिन से, कभी कभी ऐसा ये कर देता है। हम इसे डॉक्टर के भी लेके गए थे तो ऐसी कुछ दिक्कत है नहीं, आज ये डॉक्टर के गए थे तो देखो कैसे खा रहा है। तो ऐसे ये हमारा पोम्पू, वन एंड ओनली पोम्पू डोन। हाँ तो चलो यार अभी इस ब्लॉग की मैं एडिटिंग शुरू कर देता हूँ, क्योंकि फिर यार 12 बज जाते हैं और 12 बजे सोता हूँ, फिर यार मैं 5 बजे उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना होता है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, पूरा दिन मैं नींद में रहता हूँ। तो हाँ जल्दी एडिटिंग करेंगे, जल्दी सो जाएंगे। तो भाइयों अभी देखो खाना खा के पोम्पू सो गया था और अभी उठ चुका है, और सोता हुआ देखो कितना प्यारा लग रहा था, पर ये तुरंत ही उठ गया। देखो अब फिर सो जाएगा, देखो ये सो गया, सोते मतलब खाना खाते ही सो जाता है, कितना प्यारा सा लग रहा है देखो। ये अभी मैंने खाना वगैरह तो खा लिया है, तो यार अभी मैं एडिटिंग जब स्टार्ट करूँगा इस व्लॉग की, पहले मुझे थोड़े बहुत बर्तन साफ करने हैं, ये कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यार मम्मी की उंगली में वो रखा है फंगस, मैंने आपको बताया था, तो मम्मी कल छोले बनाने की कह रही थी, तो हाँ याद दिला देता हूँ क्योंकि मम्मी पे बहाना मार देती है उस दिन, ऐसे ही करती हैं। और भाई आज ना एक नुकसान हो गया यार छोटा सा, देखो ये जो मेरे ये है ना ईयरपॉड्स, ईयर मतलब कुछ भी बोल लो, इसका ये टूट गया और ये ना चार्ज नहीं हो रहे हैं भाई, यो पता नहीं ये वाली चार्ज तो होती हो है, ला ये एक तो हो रहा और वो भी पूरा नहीं हो रहा, ये वाला तो हो ही नहीं रहा, कभी ये वाला चार्ज हो गया, ये वाला चार्ज हो गया तो ये वाला नहीं होता, पता नहीं इसकी बैटरी चार्ज ही नहीं कर रहा, मतलब ये बेकार हो गया। तो अभी फिलहाल देखते हैं ये सही होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि इसका तो काम रहता ही है मुझे। तो भाइयों अभी मैं इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ, तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आपके से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।